नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के निकट फुटओवर ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत, 31 घायल। उच्च स्तरीय जांच के आदेश। निर्वाचन आयोग ने गुजरात में 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने 2005 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा 43 विमानों की खरीद के मामले में लॉबिस्ट दीपक तलवार की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की। ब्रिटेन में सांसदों ने यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। दीपा कर्माकर ने अजरबैजान में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स विश्व कप में वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। और बैडमिंटन में 9 भारतीय खिलाड़ी बासेल में स्विस ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के निकट कल शाम फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढहने से 6 लोग मारे गए और 31 घायल हो गए। एक रिपोर्ट। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता मंजुनाथ सिंगे ने बताया कि इस मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आईपीसी धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत मध्य रेलवे और बीएमसी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपए और घायलों को 50,000 रूपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और साथ ही कहा है कि घायलों के इलाज के खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। समाचार मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि वे शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। निर्वाचन आयोग ने गुजरात में धरंगधरा, मानवादर और जामनगर ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। जूनागढ़ जिले की माणावदर सीट पिछले सप्ताह कांग्रेस के 4 बार विधायक रह चुके जवाहर चावड़ा के इस्तीफे से खाली हुई है। जामनगर ग्रामीण सीट कांग्रेस विधायक वल्लभ धरावया और धरंगधरा सीट कांग्रेस विधायक परशोत्तम सवारिया के इस्तीफे से खाली हुई है। ये तीनों विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन तीनों सीटों के लिए उपचुनाव राज्य में 26 सीटों के लोकसभा चुनाव के साथ 23 अप्रैल को होगी। परिणामों की घोषणा लोकसभा चुनाव परिणामों के साथ 23 मई को की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 126 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने कल रात अमरावती में संवाददाता सम्मेलन में यह सूची जारी की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 11 अप्रैल को कराए जाने हैं। बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 3 सदस्यों की चुनाव समिति की कल पटना में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बिहार के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 राज्यों में 55 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन हो चुका है जबकि बाकी क्षेत्रों में समझौता नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण दिल्ली प्रभारी योगेश गौड़, हिंद कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गहलोत सहित कुछ अन्य नेता कल कांग्रेस में शामिल हुए। केंद्र ने कल उच्चतम न्यायालय में कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी करने का फैसला चुनावी चंदे में जवाबदेही बढ़ाने और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। इससे चुनाव सुधार लागू करने में मदद मिलेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केंद्र ने हलफनामे में कहा कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए पिछले वर्ष जनवरी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिसके जरिए 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती व्यवस्थित और गोपनीय तरीके से की जा सकेगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने चंडीगढ़ में कल ये जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने लॉबिस्ट दीपक तलवार की गिरफ्तारी का आदेश लेने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है। निदेशालय ने 2005 में फ्रांस की एयरबस इंडस्ट्री से
इंडियन एयरलाइंस द्वारा 43 विमानों की खरीद के मामले में कल विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान के समक्ष यह अनुरोध किया। अदालत आज इस मामले की सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय जांच अभिकरण एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूख को अगले सप्ताह सोमवार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। पिछले महीने एनआईए ने इस मामले में मीरवाइज सहित कई अलगाववादी नेताओं के परिसरों की तलाशी ली थी। उच्चतम न्यायालय आज चारा घोटाले के 3 मामलों में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में प्रशासन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा को मध्यस्थ नियुक्त किया है। वे बीसीसीआई से जुड़े मामलों में न्याय मित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय का सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात जाएंगे। वे गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। नवोन्मेष और उद्यमिता का पर्व नव प्रवर्तनकर्ताओं के लिए पहचान, सम्मान, प्रदर्शन, नवाचारों को पुरस्कार और नवीन आविष्कारों को सहायक तंत्र देने की एक पहल है। इस उत्सव का उद्देश्य संभावित हितधारकों के साथ संबंध बनाने के लिए नव प्रवर्तकों के लिए मंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति गांव और जमीन से जुड़े नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए 10वें राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ब्रिटेन में सांसदों ने यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया है। ये समय सीमा 29 मार्च को समाप्त हो रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कल रात पेश प्रस्ताव के पक्ष में 412 और विपक्ष में 202 वोट पड़े। हालांकि सांसदों ने प्रस्ताव में उस संशोधन को खारिज कर दिया जिसमें बढ़ी हुई अवधि के दौरान फिर जनमत संग्रह कराने की मांग की गई थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे अगले सप्ताह ब्रेग्जिट प्रस्ताव पारित कराने के लिए तीसरी बार प्रयास करेंगी। भारत में अमरीकी दूतावास ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में विफलता से क्षेत्रीय स्थिरता और शांति का लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों पर असर पड़ेगा। अमरीका की इस टिप्पणी को चीन की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। अजहर को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल करने में चीन के अड़चन डालने के मद्देनजर अमरीकी दूतावास ने यह बयान दिया है। दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका इस सूची को अद्यतन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान सरकार के उन 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है जिनके प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से कथित निकट संपर्क हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने कहा कि इन 3 केंद्रीय मंत्रियों की आतंकवादियों से मिलीभगत है और अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वे इन मंत्रियों के नाम उजागर कर देंगे। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने अजरबैजान के बाकू में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में 3रा स्थान हासिल कर वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। दीपा आज बैलेंस्ड बीम स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। विभिन्न स्पर्धाओं के फाइनल्स कल होंगे। उधर बैडमिंटन में शुभंकर डे, बी साई प्रणीत और रिया मुखर्जी सहित 9 भारतीय खिलाड़ी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी, पुरुष डबल्स में प्रणव जेरी चोपड़ा और चिराग शेट्टी तथा डबल्स में एमआर अर्जुन और के मनीषा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सभी क्वार्टर फाइनल मैच आज होंगे और विशेष विश्व ओलंपिक खेल कल शाम भव्य समारोह के साथ शुरू हो गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विशाल। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में अड़चन डालने पर सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की चीन को चेतावनी, आज के अधिकतर समाचार पत्रों ने पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की अजहर पर चीन को चेतावनी, मान जाओ वरना कुछ और कदम उठाने को होंगे मजबूर। इस मुद्दे पर देश में छिड़ी सियासी महाभारत राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ड्रैगन के जैश सरगना की ढाल बनने पर सियासी पार्टियां भिड़ी, आतंक के साथ खुला खड़ा चीन, भारत में शुरू हुई तू तू मैं।
देशबंधु ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस आरोप को दिया है कि मोदी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। वहीं दैनिक जागरण ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के इस बयान को दिया है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के लिए सुरक्षा परिषद का ऑफर ठुकराकर चीन का किया था समर्थन। ड्रैगन के खिलाफ आक्रोश शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है 19 मार्च को चीनी उत्पादों की होली चलाएगा खुदरा कारोबारी संगठन। सीमा पर तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर जल्द खोलने पर भारत और पाकिस्तान में बनी सहमति को हिंदुस्तान ने पहले पेश पर दिया है। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है भारत ने पाक प्रतिनिधि मंडल के समक्ष रखी मांग 5,000 श्रद्धालुओं को मिले प्रतिदिन वीजा मुक्त प्रवेश। आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम नतीजों से कराने की निर्वाचन आयोग से मांग को भी अखबारों ने अहमियत दी है। चढ़ा इलेक्शन फीवर, न्यूज चैनलों के एड रेट डबल शीर्षक से इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है 2019 के लोकसभा चुनाव राजनीतिक विज्ञापनों पर होने वाले खर्च के लिहाज से बना सकते हैं नया रिकॉर्ड। राजनीतिक दलों की तरफ से एड पर 4,000 करोड़ रूपये तक खर्च किए जाने का अनुमान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के निकट फुटओवर ब्रिज ढहने से 6 लोग मारे गए हैं और 31 घायल हुए हैं। घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने गुजरात में 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2005 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा 43 विमानों की खरीद के मामले में लॉबिस्ट दीपक तलवार की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है। ब्रिटेन में सांसदों ने यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया है। और दीपा कर्माकर अजरबैजान में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स विश्व कप में वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।